ये वो महारैली नहीं थी, वो भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। ना इनमें विचारधारा का समन्वय है, ना मुद्दों का समन्वय है, और ये जो सो कॉल्ड जनसभा करते हैं उसमें भी वजह की भी समन्वय नहीं है। राहुल गांधी जी क्या इलेक्शन आने से पहले ही अपनी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं क्या? आज कोर्ट ने ईडी की सारी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। कल इंडिया लाइंस ने अपनी महारैली करी रामलीला मैदान में, उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का कुछ और कहना था, वहीं कांग्रेस का कुछ और कहना था। जी वो महारैली नहीं थी, वो भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। आप सबने वो वीडियो देखा है जहां पर माननीय राहुल गांधी जी के उद्बोधन चल रहा है लेकिन कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं। और हाँ, इंडिया अलायंस है, ये गठबंधन है या ठगबंधन है, ये आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि इन्होंने जो सभा करी है उसका उसकी वजह क्या है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि ये रैली इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट के विरोध में, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रैली जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये तो पूरे इंडिया अलायंस की रैली है। तो ना इनमें विचारधारा का समन्वय है, ना मुद्दों का समन्वय है, और ये जो सो कॉल्ड जनसभा करते हैं उसमें भी वजह की भी समन्वय नहीं है। ऑपरेशन लोटस जो बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन द्वारा कि कैसे बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, राहुल गांधी का कहना है कि मैच फिक्सिंग के बिना बीजेपी जीत नहीं पाएगी, इसका मतलब माननीय राहुल गांधी जी क्या इलेक्शन आने से पहले ही अपनी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं क्या, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं? रही बात सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस की, आपको याद होगा पिछली बार भी जब इंडिया अलायंस के गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी ने ऐसे दोषारोपण करे थे, ऐसे आरोप उठाए थे, तब जाकर भाजपा ने पुलिस में कंप्लेंट करी थी कि अगर ऐसा कुछ है तो उस बात की जांच होनी चाहिए। तब जांच से भाग गए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी भी जांच में नहीं जुड़ी। इनकी पुरानी पॉलिसी है शूट एंड स्कूट, ये कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं, झूठ बोल देते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी ना तथ्य होते हैं ना सत्य होता है। मैम बस आखिरी सवाल, जो कांग्रेस को आईटी के नोटिस दिए गए हैं उस पे भी उनका कहना है कि बीजेपी ही करवा रही है सब कुछ, जो बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं आईटी नोटिस को लेकर। आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और हाईकोर्ट से इनकी याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। मैं तो पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि क्या इन्होंने ये टैक्स इवेजन करा है या नहीं, इनकी जवाबदेही बनती है जनता के समक्ष। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।